हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस, देहरादून। चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 22। द क्वेश्चन सेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और यहाँ पर चार ऑप्शंस है हमारे को कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इनके ऊपर कमेंट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों को एक टेबल दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टिविटीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए तो अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन सिलिकन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके लिए अल्फा क्या है, नेगेटिव है। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, वो सेमीकंडक्टर्स के लिए कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां से हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो इसका बिहेवियर होता है सेमीकंडक्टर्स का, वो कैसा होता है, ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ कंडक्टर, है ना। कंडक्टर्स में क्या होता है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में इसका उल्टा होता है और इस वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग यहां पर बच्चों समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ना, वो क्या होगा, कंडक्टर्स के केस में तो बढ़ेगा लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में वो कम होने लगेगा। ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स हैव लुक एट द क्वेश्चन नंबर 26। द क्वेश्चन सेज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10^-2 अपॉन √π मीटर हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। द करंट डेंसिटी इन द वायर फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इज, और हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को फॉर्मूला यूज करना है E=ρJ। यहां पर E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, रो होता है क्या, रेजिस्टिविटी, और J होता है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे को यहां पर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो R बराबर होता है ρL/A। ठीक है, तो यहां से देखिए J बराबर क्या आ जाएगा, J बराबर आ जाएगा E/ρ। अब रो की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं ना, तो यहां से आ जाएगा E/ρ की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी RA/L। ठीक है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी पता है E, लेंथ L भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R भी मालूम है, और एरिया भी हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहां पर रेडियस दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर J बराबर आ जएगा, E हमारे को दे रखा है SI यूनिट में, तो 10 लिख देता हूं मैं एज इट इज, फिर लेंथ भी SI यूनिट में दे रखा है, 10 लिख देता हूं इसे भी, अपॉन रेजिस्टेंस 10 दे रखा है, एरिया कितना हो जाएगा, तो πr², तो पाई इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 10^-2 है ना, तो 10^-2 है तो 10^-4 बन जाएगा, और √π ऊपर जाकर के पाई बन जाएगा, तो 10 से 10 कट गया, पाई से पाई कट गया, 10^-4 ऊपर जाकर के 10^4 बन गया, तो ये बन गया 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 10^5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 29। द क्वेश्चन सेज टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन अ गिवन टाइम इज, एंड देयर आर 4 ऑप्शंस। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 ओम और 200 ओम जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है, और हमसे पूछा है कि किसी टाइम में, है ना, थर्मल एनर्जी जो डेवलप हुआ है 100 ओम में और 200 ओम में, उसका रेशियो क्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो हीट का फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, V²/R×T। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं H100/H200, ये कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां पर दोनों के लिए V तो कॉमन है, T भी कॉमन है, तो ले दे करके हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये इनवर्स ऑफ रेशियो क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे H100/H200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 200/100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2:1, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,